ये पैसे में इतने करते ले ये मैं यूट्यूब मत आई मेरी कमाई उनमें भी कोई कमाई आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो आपका खुद का ब्लॉग चैनल अक्षय रेड्डू ब्लॉग्स, और भाई डोजर भी आ गया भाई मेरे ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं 11:11 बजते ही मैंने अपना एक ये जो व्लॉग है ये मैंने चला दिया कल वाला, जिसमें मम्मी को मैंने फोन गिफ्ट करा था मेरी पहली यूट्यूब की इनकम से। और अभी मैं यूट्यूब इनकम जा रहा हूँ भाई निकालने में ना दोगे तैयार हो गया हूँ। मेरी जो पहली कमाई है जो मैंने यूट्यूब से कमाई उसको आज मैं निकालूंगा, और फिर आके घर पे मैंने ना मतलब मम्मी को यूं बताया, यूं नहीं बताया उनको कि मेरी कितनी इनकम आई है कितनी क्या आई है, बस यूं पता कि हाँ भाई आए होंगे थोड़े बहुत। लेकिन आज मैं उनको सरप्राइज देने वाला हूँ कि भाई आपके बेटे ने इतने पैसे यूट्यूब से कमाए हैं, और ये बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये व्लॉग देख लूं और बाड़ों में तेल वेल लगा के इनको बाग के फटाफट लाइब्रेरी के लिए तैयार हो जाऊं। 11 बज चुके, काफी लेट हो गया यार, मैं आज फटाफट निकल रहा हूं बस। तो भाई आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने मेरी कल वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो वो भी प्लीज चैनल में जाके जरूर देख ले भाई। बस 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 बैठ जा गणाए प्यार आ रहा है, बैठ जा स्पीड हो जा, अरे बस बस गेट में बाड़ा का कतिए, अरे जा चल मन तैयार हो लेने दे, बैठ जा तू, मैं नहीं खेल रहा आज, ना लिया हूं मैं छेड़े क्यों है यार, रुक जा यहीं रुक जा सीट बैठ जा भाई। आज इसका ना गणाई खेलने का मन हो रहा है, कल इसका इंजेक्शन तो लगवा दिया मैंने, ये भी ठीक है, खाना वाना भी सही खा रहा है बिल्कुल, डोजर चल ठीक है, अब मैं जाऊं तैयार हो गए तो बस मैं तो हो चुका हूं बिल्कुल। अरे तेरे को नहीं लेके जा रहा कहीं भी, तू क्यों भाई, मैं डोजर को कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं नहीं लेके जा रहा तेरे को, मैं नहीं लेके जा रहा तेरे को कहीं भी, तू घर ही रह, मैंने लाइब्रेरी जान दे, दुखी मत करे ना मारूंगा मैंने, बैठ जा तेना कौन लेता मैं भाई, ये डोजर मैंने दुखी कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैंने इसको घुमाने लेके जा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परिभ्रमण खुश हो रहा है। मैं जा रहा हूं स्कूटी ने फटाफट स्टार्ट कर लूं, इसकी चाबी हाँ इससे में है, तेरे को नहीं लेके जा रहा स्कूटी, देखते इसका ना नू जी करा कि मैंने लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इसको नहीं लेके जा रहा। 11 बज चुके हैं, लेट काफी हो चुका हूं आज मैं, तो बस अब फटाफट लाइब्रेरी जाऊं। और हाँ यार अभी ना मैंने घनी बुंडी शर्म आ रही है जिसका कोई ठीक नहीं, क्योंकि ना आशु का बर्थडे था, और आशु का बर्थडे था 31 अगस्त को, और हम में से किसी ने भी उसको ना विश नहीं करा, और ईव उसका फोन आया नु का भाई चल मैं पार्टी शार्टी दे दू, मगर भाई किस चीज की नु का कर ले याद, नु बोला अगर मगर यार तेरा बर्थडे था और हमने तेरते विश भी ना करा, नु का हम तो बेशरम आदमी हो थाने, नु थोड़ी पता कि भाई का बर्थडे है के है, मगर यारी मैं के बताऊं, नु का चल फटाफट तू लाइब्रेरी का वड़ा आ जा तेरे तो बर्थडे पार्टी देने, मैं चल भाई मैं आने लग रहा हूं अब चलें, डोजर तू नहीं जाओगा कहीं भी, मैं अकेला जा रहा हूं ना, बैठ जा यहीं, देखो कैसे कूद रहे हो, मैं ना लेके जाऊं, मेरे चोट मत मरवा दिए तू, चल अंदर चल डोजर अंदर चल, तेरे को नहीं लेके जा रहा कहीं भी, पीछे पीछे तैयार हो गया मैं, अंदर चल तेरे को नहीं लेके जा रहा कहीं भी, मैं अपने आप ही जा रहा हूँ लाइब्रेरी। तो भाई डोजर का ना काफी मन हो रहा है जाने का, लेकिन मैं उसको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि आज इसका कल मैं इसको स्कूटी पे घुमा लाया था, जिसके कारण ये सोच रहा है कि आज भी लेके जाओगा, कल तो इसके इंजेक्शन लगवाना था जहाँ हमारे में लेके गया था, लेकिन आज थोड़ी ले जा सकूँ, आज तो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मतलब फटाफट जाऊँ, और आशु का बर्थडे है ना वाड़ा जाना फटाफट के देखा है यार भाई का बर्थडे था, हमने पता ही ना था, हैप्पी बर्थडे भाई आशीष भाई हैप्पी बर्थडे, इसका बर्थडे था हमने पता है ना 31 तारीख का था, 28 तारीख को राहुल
तो बस अभी आशू तो गया है सोनी को लेने, और मैं एक बारी भाई अपनी जो मेरी इनकम है उसको एटीएम से निकाल लूं, क्योंकि मेरा ना बड़ा मैं एक्साइटेड हो रहा हूं कि भाई यार होता ही है इतना टाइम रुकने के बाद अब आई है इनकम, तो अब उसको फटाफट भाई निकालना भी चाहिए और फटाफट एटीएम जाऊं। मैंने फिर है ना उन तक कह दिया काम है ना लाइब्रेरी के उड़े मिल लियो। चलो भाई अब फटाफट एटीएम में पीछे काट दो। Then I sit on my heart, I watch the build up. My bro, he stay with Susie Bob, the build up. And I feel like inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. I told her one more, she hear me say you quit or she dipping. Yeah. अरे क्या हाल है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाद में करिए, पहले हमारी पार्टी कौन देगा? किस चीज की देऊंगा तेरे यूट्यूब पे तो अकेले अकेले अपनी मम्मी तो फोन दे। हाँ मैं देऊंगा तेते भी देऊंगा पार्टी, मेरे आ गए यूट्यूब पर आज इसका बर्थडे है, पहले इसके बर्थडे की पार्टी लेंगे। मेरे आगे काल ना मेरा पक्का काल ना पक्का प्रोमिस मैं देऊंगा। देख लिया ठीक है, मैं देख लूंगा। चल आजा, ये कहाँ तल लगा? Let me do my thing. Got them greens and pinks and blues. I'll give my kids a change. Don't call me a sip for none unless you do the same. I wanna catch as fast as that, and I don't do no range. Yeah. All I ever wanted was some millions. All I ever wanted was some children. Then I got four of them kids and now we chillin'. Nothing's real. Inside, don't wanna feel it. भाई 500 का कर दे, मतलब है ना पहली कमाई से तेल भरवाने का ना स्वाद ही अलग है। आजकल घर वाला तय करवाया करता है, अपनी पहली यूट्यूब की इनकम आई है उसमें है डायरेक्ट स्कूटी में 500 का भरवाऊंगा। भर दे भाई आज तू। भाई बस खा पी का हमने बस चिल्ली पटेटो रो के क्या कहूँ मैं, मत मसाला डोसा खाया, घना की में ना खाया, क्योंकि यार हम तीन चार जने थे, घना खाया नहीं गया। मैं तो घर पर रोटी खा गया था, मैंने पहले पता नहीं इतना ही था ना, और भाई ने बहुत बढ़िया बर्थडे पार्टी दी। अब आगे की जो पार्टी होगी वो हम मैंने कही भाई अभी तो मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है, बाकी करेंगे वो करेंगे कभी बाद में, देख लेंगे। चलो भाई अब इससे लेते राम राम। अब मैं यार शायद ना लाइब्रेरी ना जाऊं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, तो भाई अब लाइब्रेरी जाने का मन है नहीं, अब डायरेक्ट है ना घर ही चलूं यार, क्योंकि गणाए खाया गया, अभी बिल्कुल जी नहीं हो रहा मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा। तो चलो फटाफट घर चला, घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो, जितनी ये वीडियो बनी है इसको एडिट कर लेते हैं। तो बस अभी है ना वहाँ से आंसू से मिलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर पे, यार रोटी रोटी तो खाऊ नहीं, जाकर ना थोड़ी देर रेस्ट करूंगा और इस वीडियो ना करूंगा फटाफट ना एडिट। बस घर पर पहुंच ही गया मैं, आज का मौसम काफी अच्छा हो रहा है यार, एक नंबर का मौसम हो रहा है, जिसका डोजर ये रहा, डोजर ने देख लिया मैं आप डोजर आजा डोजर आजा आजा डोजर डोजर बस 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 हर जा। तो बस अभी घर पर आ चुका हूँ, घर पर आके खाना वाना तो खैर मैंने खाना है नहीं, क्योंकि खाना तो मैं उड़े ही खाया था आंसू और अरीब ना। यार आज का ना मौसम काफी अच्छा हो रहा है, तो मौसम अच्छा हो रहा है तो भाई अक्षय मौसम थोड़ी छोड़ देगा, और जो मेरी यूट्यूब की इनकम है ना उसको मैं ना कितनी बकवासबाजी अरे जो यूट्यूब की इनकम है ना वो जिस टाइम मम्मी और पापा दोनों इकट्ठे होंगे ना जब दिखाऊंगा, क्योंकि पापा अभी ड्यूटी गए हुए हैं, और फिर अकेली मम्मी दिखाऊं फिर पापा तो वो बढ़िया ना मैंने ना वो संभाल कर रख दी। तो बस अभी शाम ना आऊंगे, पापा शाम ना दिखाऊंगा सब तरह यार, जब तक अपन थोड़ा थक चुका है, अब अपन आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, दैट्स वाई आई एम जस्ट कटिंग दिस वीडियो राइट नाउ। मैं इस वीडियो ने एडे काटू हूँ, फिर मिलेंगे, अभी मैं एक बारी फटाफट सो जाऊं। तो बस अभी चाय पी लूं, चाय पीने के बाद सारे पेड़ पौधों में ना पानी दूंगा, क्योंकि ना ये सब सूख चुके हैं। आज की चाय खैर मैंने नहीं बनाई, मैं तो जस्ट अभी सो का उठ कर आया हूँ, क्यों मम्मी ने चाय बना के मेरे को उठा लूंगा, बेटा आ जाओ ऊपर चाय पियोगे।
मौसम काफी अच्छा हो रहा है भाई आज का। तुम्हें अगर पीछे दिख रहा हो और ये यहाँ पे खेत के पीछे की वाइब, वाह। तो भाई बस अभी चलते हैं, मम्मी के लिए ना वो लेना है अचार। तो मम्मी बोली बेटा मेरे खातर तू अचार ले आ। और जो अचार है वो यहाँ पर कृष्णा पिघल उसका ना गणेश स्वादिष्ट अचार है। तो बस अभी मैं बैठा हुआ था तो मेरा ना कुछ भी मन वन नहीं था कुछ भी। हर्षित ये लड़का जब भी मैं कैमरा लेकर चलूँ ना तो ये हमेशा मैंने नुए करा है बाय शाय करता रहता है। अब देखो अब है ना एक बारी जाकर ना अचार ले आऊँ, मिर्च का अचार मेरी मम्मी ने सब तक गणा है फेवरेट ला गया, और वो भी कृष्णा वाले का जो कि दिन पूर्व में है। बस चलूँ फटाफट वो अचार ले आऊँ। कॉफी बढ़िया है ये दुकान यार। मतलब मिर्च का अचार कितने का होगा भैया? खुला 200 रुपए किलो। एक आधा किलो दे दे दो मिर्च वाला अचार। तो भाई अब अचार तो मतलब मैंने ले लिया है मम्मी के लिए, जो उनका फेवरेट मिर्ची का अचार था वो मैं लेकर चल पड़ा हूँ। अब यार मौसम भी काफी मस्त हो रहा है और ना अंधेरा भी होने वाला, तो अब शूट होगा नहीं। अभी मैंने एक बारी अपने दोस्त के घर पर जाना है, एक बारी दोस्त के घर पर जाऊँ और उसके बाद फिर घर जाऊँगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि छोटा मोटा सा ना कुछ काम है, राहुल है एक अपना दोस्त, उसके पास जाना है, थोड़ा बहुत काम होएगा वहाँ पे, फिर डायरेक्ट अब आप लोगों से ना घर पे ही मिलता हूँ मैं। तो बस ना अभी मैंने ये पैसे निकाल लिए मेरे जेब में से, मम्मी और पापा दोनों लोग बाहर बैठे हुए हैं, अब उनको मैं दिखाता हूँ कि भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, बड़ा ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसका कोई दिख नहीं। देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन होगा। वो लोग ना मतलब पागल समझा करते हैं, उनका ये तो पागल है बारा ने के बकवासबाजी कर। अब अपनी इनकम देता हूँ उनको। माँ ए मा ये भी सुन कुमार है के कर ला ये के लिया ये पैसे मैं इतने कर लिया मेरे बेटा हैं। ये मैं YouTube मत आई मेरी कमाई हां उनमें भी कोई कमाई आ कर और के आवे हैं। ये तो ना झूठ नहीं सच में YouTube सलेट बत्तियां में कौन पीछे देव सलेट बत्तियां के हैं ये तो डेली में वीडियो स्टूडियो बनाऊं उनके हैं बेटा। सच में मैं मजाक नहीं करो, यूट्यूब में तो सच में हूँ पैसे मैं तो पहली बार देखे, पहली बार थारे घर में बनावे मैं हूँ पहली बार। पागल सा है भोके जब सच में ये यूट्यूब में आए हैं अपने पीछे अपने दो रहे राख चंदे हैं तेरे पीछे पैसे क्या था ना बेटा तू खा पी ले खा पी लिए कितने खुशी नहीं हुई ना खुशी खुशी तो बता रही है खुशी आ रही फिर भरोसा कौन था कहा है ना भरोसा तो कौन था भाई इतने लिया इतने ये आए हैं मेरे $330 के आसपास है? ये रुपया में है ये है 20,000 रुपये। अच्छा आपने क्या लगा पापा और के पर तुम मजा आ गया रे मजा है और के ये तो खूब वीडियो बना रहे आजकल और ये पगला सब मुंह पे कर रहा है खुद मजा कर ये काम। बस अब मैं इनसे अपना वो लाऊंगा, इनको जमा करके अपने खातिर एक बढ़िया वाला फोन लाऊंगा। ठीक है फोन नहीं ले रहा तो बेटे कोई बात नहीं मैं ले दूंगा। ना 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 ये बढ़िया खा पी नहीं लो ये आप पढ़ लो मैंने यार ये पहली तन का तो रख पापा मैं नहीं लेंदा कोई बात नहीं मेरे दो रहे तेरे दो एक के बाद। तो भाई ये मैंने पहली इनकम मेरे मम्मी और पापा दोनों को दे दी। मेरी मम्मी को मतलब ना पता ही नहीं चल रहा, इनको ना मतलब भरोसा नहीं हो रहा कि यूट्यूब से भी पैसे आते हैं नहीं आते हैं। भाई कोई इनको बताओ कि भाई हाँ भाई यूट्यूब से भी तो पहली बार था इनके घर में कोई बनावे ही नहीं था भाई। तो मैंने चालू करा तो मैं ये मेरी पहली इनकम आई है। मेरी पहली इनकम मतलब पहले ही आ गई थी $100 पा जाएगा, लेकिन फिर ना अकाउंट ऐड करना पड़ा है। विशाल ने करा था बैंक अकाउंट, मेरा एक दोस्त है उसने मेरा बैंक अकाउंट ऐड करा। यो जो अपना डब्बी नहीं है विशाल
इसने करा, फिर उसने फिर बैंक अकाउंट करने में टाइम लगा, जब तक ये हो गए थे भाई $330 के आसपास। और मैं इन में से जिसमें से अपने 20,000 रुपए मैं निकाल के जो मेरी पहली इनकम थी वो ले आया, उसमें से एक फोन जो कल फोन दिया था वो भी तेईस से मत दिया था मैंने। अच्छा, खाते में नहीं, फिर खाते में ठीक ठीक लगा ना। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ यार, आज मैंने पहली बार कुछ पैसे कमा के अपने मम्मी और पापा दिए। पापा तो आज यूं हुआ कि हाँ भाई मारा बेटा कैसा लगा, अच्छा लग रहा है। सोचा पागल जैसा लग रहा है, पापा पापा करता पापा पापा नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा करने की सोच रहे। बस अभी ये इतने आए, अब नेक्स्ट मंथ पता नहीं कितने आएंगे कितने, बस अब ये वीडियो बाबा की मर्जी। हाँ चलो भाई, अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। बाय कर दे मैं सबने, बाय।